गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं हूं अनुपम चौहान और लर्निंग शाइन विद अनुपम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल कुछ अच्छा हो और हम लोग की लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाए, ताकि हम लोग पहले की तरह नॉर्मल तरीके से अपनी पढ़ाई स्कूलों में जाकर कर सकें। बच्चों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है पीपल हु हेल्प अस, लोग जो हमारी मदद करते हैं, जो कि लिया गया है क्लास 5 की रेनबो बुक से। लेसन में बात की गई है हमारे हेल्पर्स के बारे में, यानी कि जो हमारी हेल्प करते हैं। हेल्प तो हमारी सुबह से शाम तक कई लोग करते हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स जो घर में रहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो घर से बाहर रहकर भी हमारी मदद करते हैं और इसके बदले हमें उन्हें कुछ पे करना पड़ता है। बच्चे, सुबह से लेकर शाम तक घर में और बाहर कई तरह के काम होते हैं और ये सारे काम कोई एक इंसान नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि हम लोग कोई सुपरमैन तो है नहीं ना जो सारे काम घर के और बाहर के सारे इजीली कर सके। इसीलिए सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं और जिसको जो ज़रूरत होती है वो दूसरे से कांटेक्ट करके वो काम करवाता है। जैसे कि कोई प्रेस करता है, कोई कपड़े धोता है, कोई बाल बनाता है, कोई दूध बेचता है और कोई मिठाई बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 7, पीपल हु हेल्प अस, लोग जो हमारी मदद करते हैं। दिस इज़ अ कोड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली पिक्चर में आपको एक शॉप दिख रही है। इस शॉप में कई तरह की चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ पे एक मैडम है, वो सेल कर रही हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। रेहाना ओन्स अ शॉप। रेहाना, इन मैम का नाम है रेहाना। ओन्स माने मालिक, मालिकाना हक। अ शॉप यानी कि शॉप में, इस दुकान। रेहाना एक दुकान की मालकिन है। शी सेल्स, वह बेचती हैं फूड आइटम्स, खाने की चीज़ें, एंड और स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स, और स्मॉल में छोटे छोटे हाउस होल्ड घरेलू गुड्स सामान। वो छोटे छोटे घर के सामान और खाने की चीज़ें बेचती हैं, जैसे कि हम लोग घर पे रहते हुए कई सारी चीज़ें खरीदते हैं, गेहूं, दाल, चावल और चीनी, ये सारा कुछ इस शॉप पर मिलता है। शी इज़ अ ग्रॉसर, वह ग्रॉसर हैं। ग्रॉसर मीन्स पंसारी या किराने, किराने वाला। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि ये पर्सन हमारी हेल्प कैसे करता है। इसका नाम है पंकज। पंकज फिट्स वाटर पाइप्स, टैप्स, ईटीसी। पंकज जो है वाटर पाइप्स यानी कि पानी के पाइप्स और टैप्स ये फिट करता है घर में। जैसे हमारे घर में जितने भी पानी का काम है, नल वगैरह जो लगते हैं, पाइप्स जो लगते हैं, वो ये लगाता है। ही ऑल्सो रिपेयर्स देम। ही ऑल्सो, वह ये भी करता है रिपेयर यानी कि मरम्मत करना। देम माने उनको, यानी कि अगर जो पाइप या नल ख़राब हो जाते हैं उनको ये रिपेयर भी करता है, मरम्मत करता है, नए पाइप लगाता है और उनको ठीक करता है, ताकि हम लोग का जो पानी वाला काम है वो अच्छे से हो जाए। ही इज़ अ प्लम्बर, वो एक प्लम्बर है। प्लम्बर मीन्स होता है नल साज, नल ठीक करने वाला, नल की रिपेयर करने वाला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हेल्पर कौन है हमारा। आनंद ओन्स अ बेकरी। आनंद की एक बेकरी की शॉप है। ही बेक्स, वह बेक करता है यानी पकाता है, बनाता है बिस्किट्स, ब्रेड एंड केक्स, ईटीसी। यानी कि जो हम खाने का आइटम, जैसे हमारे यहाँ जो पार्टी होती है उसके यहाँ, उसमें यह नाश्ते का सामान जो भी होता है, वो सारा कुछ खाने के लिए हम किसके पास जाते हैं, बेकरी की शॉप पर जाते हैं। और वहाँ पर हमको बिस्किट, ब्रेड या केक्स मिलता है। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो खाने की आइटम्स होते हैं वो सारे यहाँ पर मिलते हैं। ही इज़ अ बेकर, वह एक बेकर है। बेकर मीन्स होता है ननबाई या फिर रोटी बनाने वाला। नेक्स्ट पर्सन कौन है जिसकी हेल्प की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। त्रिशा वर्क्स इन ऑफिस। ये जो गर्ल है इसका नाम है त्रिशा। ये वर्क्स यानी काम करती है ऑफिस, एक ऑफिस में। शी टाइप्स, वह टाइप करती है यानी कि जो कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड के माध्यम से वो टाइप करती है जो मॉनिटर पर दिखता है, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, पत्र और दस्तावेज। वो पत्र और दस्तावेज टाइप करती है, यानी कि जो हम लोग को एक पेपर पे किसी या मैगज़ीन में जो कुछ भी लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ मैटर मिलता है, वो कंप्यूटर से ही किया जाता है टाइप करके।
शी वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर, वह एक कंप्यूटर पर काम करती है. शी इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, वह एक कंप्यूटर ऑपरेटर है. नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या काम है. चेतन राइट्स बुक्स. चेतन राइट्स यानी लिखता है बुक्स, किताबें, यानी कि वो किताबें जिनमें हमें ज्ञान का खजाना मिलता है, जिन्हें पढ़ के हमें दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिनसे हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं, वो कोई ना कोई तो लिखता है जिसको इंटरेस्ट होता है किताबें लिखने का, तो इसका वही काम है जिन्हें पढ़ के हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं. ही राइट्स, वह लिखता है स्टोरीज़, कहानियाँ, एसेज, निबंध, नॉवेल्स, उपन्यास, ETC एट्सेट्रा. ही इज़ एन ऑथर, वह एक लेखक है. अब इस पिक्चर में देखिए क्या बताया गया है, ये हमारी किस तरह से हेल्प करती है. शिवानी वियर्स अ ब्लैक कोट. शिवानी ब्लैक कोट पहनती है, वियर्स पहनती है ब्लैक कोट, काला कोट. शी गोज़, वह जाती है टू द कोर्ट, यानी कोर्ट में जाती है जहाँ पर केसेस लड़े जाते हैं. शी प्लीड्स, वह लड़ती है केसेस देयर, वहाँ पर केस लड़ती है, यानी कि जिन दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी समस्या लेकर वकील को साथ लेकर अदालत में जाते हैं और वहाँ पर अपना पक्ष रखते हैं, और वहाँ पर जज जिसका पक्ष सही होता है उसके हक में फैसला सुनाकर वापस घर भेज देते हैं. शी इज़ अ लॉयर, वह एक वकील है. इसमें देखते हैं ये हमारी किस तरह से हेल्प करता है. जॉर्डन सेल्स बोट्स एंड शिप्स. जॉर्डन, ये सेल्स यानी जल यात्रा करना, बोट्स नाव एंड शिप्स जहाज, यानी कि जो पानी के जहाज और नाव होती हैं उनको चलाने का जॉर्डन काम करता है. ही इज़ अ मेंबर ऑफ क्रू. क्रू मीन्स एक तरह से टीम, जो नाविकगण होते हैं, बहुत सारे लोग जो नाविक होते हैं उनकी टीम का एक मेंबर है ये. ये भी एक नाविक है. ही इज़ अ सेलर, वह एक सेलर है, यानी इसका काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब हम लोग को समुद्र के रास्ते कहीं दूसरी जगह जाना होता है तब हम शिप से जाते हैं और शिप को चलाने का काम ये करता है सेलर. अब बढ़ते हैं लास्ट पिक्चर की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है. गुरप्रीत ड्राइव्स अ ट्रेन. गुरप्रीत यानी कि ये ड्राइव्स चलाता है अ ट्रेन, एक ट्रेन चलाता है, एक ट्रेन को ड्राइव करता है. ही टेक्स, वह लेता है पैसेंजर्स यानी यात्रियों को, एंड गुड्स और सामान को, टू डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग जगह से, बाय हिज ट्रेन अपनी ट्रेन से. ही इज़ अ लोको पायलट, वह एक लोको पायलट है यानी कि ट्रेन का ड्राइवर है. ये था हमारा आज का वीडियो. इस वीडियो में हमने समझा इस लेसन का एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज को अच्छे से स्टडी करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.